हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है लेमन यानी कि नींबू, जो आज मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूं। आप कोई गलत ना समझे, मैं कोई तांत्रिक विद्या नहीं करने वाला। ये जो नींबू है वो मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूं अपने नींबू के प्लांट में। जी हाँ फ्रेंड्स, नींबू इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं अपने नींबू के प्लांट में। और वो मैं किस हिसाब से इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्यों इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो मैं आज आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो आप नींबू देख रहे हैं उसको मैंने दो पीसेस में काट लिया है। मैं नींबू इसलिए यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड मौजूद होता है और हमारे जो नींबू का प्लांट है उसको चाहिए सॉयल जिसकी पीएच लेवल हो 5.5 to 6.5, मतलब उसको फुल एसिडिक सॉयल चाहिए। तो मैं एक्चुअली गया था नर्सरी, मुझे नर्सरी वाले ने कुछ ऐसे केमिकल्स बताए थे जिसकी वजह से मेरा जो नींबू का प्लांट है की सॉयल है वो थोड़ी एसिडिक हो जाए। लेकिन मैंने बाद में मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि मुझे केमिकल यूज़ नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि भले मेरे नींबू के प्लांट में कम नींबू निकले लेकिन मैं यूज़ करूँगा ऑर्गेनिक। और वैसे भी मेरे घर पे एक नींबू का प्लांट है और एक नींबू के प्लांट पे जितने नींबू होंगे उतने मेरे घर पे काफ़ी नहीं होंगे। आफ्टर ऑल मुझे बाज़ार से तो नींबू लाने ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये नींबू यूज़ करने वाला हूँ ये मेरे नींबू के प्लांट में। ये जो मेरा नींबू का प्लांट है उसके अंदर मैं ये नींबू इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब हमें ये नींबू, ये लेमन हमें अपने प्लांट में कितना डालना है और कितनी क्वांटिटी में इसका जूस हमें हमारे सॉइल के अंदर डालना है जिसकी वजह से हमारी सॉइल एसिडिक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली विनेगर बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे प्लांट्स की एसिड लेवल बढ़ाने के लिए। तो विनेगर तो एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, जो बोतल लाया था वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी। और आज संडे की सुबह है तो सुबह सुबह अभी कोई दुकान ओपन नहीं करेगा, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो आज नींबू ही हम ट्राई करते हैं। तो मेरे घर पे नींबू पड़ा हुआ था, दो नींबू थे। मेरे मम्मी ने थोड़ा डांटा कि क्या यार नींबू ले जा रहा है तू, इतने महंगे नींबू है। तो मैंने मम्मी से बोला कि सॉरी, क्या करें, प्लांट्स को ज़रूरत है। तो बाद में वो दो नींबू मैं ऊपर लेके आ गया। अब ये मैं नींबू अपने प्लांट की सॉइल में किस हिसाब से इस्तेमाल करूँगा वो आज आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है बकेट जिसके अंदर भरा है मैंने 8 लीटर पानी। अप्रॉक्सीमेटली इसके अंदर 8 लीटर पानी आ जाता है। और 8 लीटर पानी के अंदर हमें इस्तेमाल करना है 4 चम्मच नींबू का जूस, यानी कि जो लाइम जूस लेमन जूस है वो हमें 4 चम्मच हमें यूज़ करना है। तो मैं 4 चम्मच नींबू का जूस में पहले ये अपने मग में मैं खाली कर देता हूँ। अगर ये नींबू ज़्यादा भी प्लांट्स में चला गया तो भी हमारे प्लांट्स को नुकसान कर सकता है फ्रेंड्स। ज़्यादा एसिडिक सॉइल प्लांट्स को नुकसान कर सकती है। तो हमें देख के काम करना है और हर 15 दिन में एक बार इसे इस्तेमाल करना है। हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको नहीं डालना है, ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन में एक बार नींबू का रस डाल दिया। और 15 दिन में एक बार हमें डालना है, वो भी हमें देख के डालना है कि प्लांट को ज़रूरत है, सॉइल की ज़रूरत है। अगर सॉइल का पीएच लेवल 5.5 या तो 6 तक आ गया हो तो हमें ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए, या तो विनेगर भी नहीं डालना चाहिए। ये मैंने 1 चम्मच डाला है। अब ये 2 चम्मच डाल रहा हूँ। अब ये 3 चम्मच। अब ये 4 चम्मच, मतलब मैं अब 4 चम्मच हमारे एक नींबू में ही आ गया है। एक नींबू मैंने काटा था, एक नींबू में से ही हमें 4 चम्मच ये लाइम जूस मिल गया है। और बाकी का अभी बचा है तो मैं रहने दूंगा, देखता हूँ इसका क्या करना है। लेकिन अभी इसको साइड पे रख देता हूँ सभी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मिक्स हो गया है लाइम जूस ये पानी के अंदर, मतलब ये पानी का लेवल हो गया है थोड़ा खट्टा क्योंकि 4 चम्मच मैंने लाइम जूस इसके अंदर मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगा कुछ दूसरी चीज़ जो हमारे प्लांट्स को बहुत ही हेल्पफुल होगी, वो है ये।
शायद आप जान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। ये है जो बनाना पील्स, बनाना पील्स को मैंने इसके अंदर बोतल के अंदर डाल के इसका इसके अंदर पानी मैंने भर दिया था। बनाना पील्स को ये बोतल के अंदर डाल के ये पानी इसके अंदर मैंने भर दिया था और मैंने कंटिन्यूस 15 दिन या तो 20 दिन तक मैं इसको रहने देता हूँ, जिसकी वजह से देखिए पानी का कलर कैसा हो गया है। और इसके अंदर आ गया है बनाने पील्स के सभी न्यूट्रिएंट्स, जो पोटेशियम और फॉस्फोरस जो होना मिलना चाहिए हमारे प्लांट्स को, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ गए हैं। अब मैं ये चीज़ हर संडे को मेरे प्लांट्स में अप्लाई करूँगा। अब मैं ये भी एक नई चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये पील्स हमेशा 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करता था, लेकिन पिछले एक महीने से मैं कंटिन्यूस हर संडे को इसको इस्तेमाल करता हूँ और कुछ भी ऐसी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मेरे प्लांट्स में नहीं आ रही। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ये मैं आप भी अपने प्लांट्स में हर संडे को इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपके प्लांट्स को ऑर्गेनिकली फॉस्फोरस भी मिल जाए, पोटेशियम भी मिल जाए और नाइट्रोजन भी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हमें अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपके प्लांट्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। और ये जो नींबू का प्रयोग है वो भी ऑर्गेनिक है, वो भी हमारी सॉइल को ऑर्गेनिकली ही एसिडिक बनाएगा। तो अब ये जो चीज़ है वो मैं अपने ये 8 लीटर का पानी है, 8 लीटर के पानी में ये पूरी बॉटल खाली कर देता हूँ। तो मैं ऐसे डायरेक्ट खाली नहीं करूँगा, मैं पहले एक छन्नी लूँगा, उसके अंदर से मैं ये खाली करूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक छन्नी ली है, ये छन्नी के अंदर में ये बनाना पील्स का जो पानी है वो मैं खाली करूँगा। ये पानी बहुत ही हेल्पफुल है, इसके अंदर पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सारे जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारे प्लांट को एसेंशियल है, वो सारे ये लिक्विड में मौजूद है। और ये लिक्विड हमें हर संडे को अगर हम अपने प्लांट्स में डालते रहेंगे तो हमारे प्लांट्स को फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलता रहेगा। प्लस हम काउडंग लिक्विड डालते हैं, उसकी वजह से हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन भी मिलेगा। मतलब NPK हमें हमारे प्लांट्स को रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनिकली मिलता रहेगा। और डोजेज भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम डोज है, मतलब ये आपके प्लांट्स को बिल्कुल भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। ये वो केमिकल जो NPK आता है उससे बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि उसकी डोज़ अगर थोड़ी भी ज़्यादा हो गई तो आपके प्लांट्स को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है वो एकदम ही हार्मलेस है हमारे प्लांट्स के लिए, तो ये आपके प्लांट्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऑर्गेनिक चीज़ों का यही एक मज़ा होता है फ्रेंड्स, और ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि हमारे घर पर ही सारी चीज़ें मिल जाती है और हमारे बाहर जाके फालतू के खर्चे करने नहीं पड़ते। एक्चुअली मुझे घर पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है ये सब खर्चे करने का, क्योंकि मेरे घर पे सभी बोलते हैं कि भाई जो बजट दिया है उसके अंदर ही तू गार्डनिंग करता रहे, तो मैं वही बजट में अपनी गार्डनिंग करता हूँ। और जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जो मिलते हैं बाहर बाज़ार में वो बहुत महंगे मिलते हैं, तो मेरे बजट में वो सब एडजस्ट होता नहीं है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हमारे मेरे घर पे सारे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एक बनाना पील्स हमारे घर पे तो रेगुलर आते हैं, तो ये बनाना पील्स को मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। मैंने मम्मी को बोला है, तो मेरी वाइफ को भी मैंने बोल के रखा है कि जो भी बनाना पील्स हो वो आप फेंक ना दें, आप इकट्ठा करके रखें। वो बनाना पील्स को आइदर मैं कॉम्पोस्ट के लिए यूज़ करता हूँ या तो मैं ऐसे लिक्विड बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। ये जो लिक्विड है, ये जो बनाना पील्स मैंने अंदर डाला है, इसके अंदर ये लगभग मैंने लिक्विड 2 से 3 बार डाल दिया है। 2 से 3 बार मैंने ये बनाना पील को इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, इसको एक बार इस्तेमाल नहीं। अभी ये जो पोर्टल पूरी खाली हो जाएगी उसके अंदर मैं फिर से पानी डालूंगा और फिर से मैं उसको 10 दिन के लिए रखूंगा और इसको फिर से ये पानी में इस्तेमाल करूंगा। मतलब मैं जो पोटेशियम और फॉस्फोरस है वो धीरे धीरे पानी में डिज़ोल्व होगा और धीरे धीरे मैं हर संडे को इसके अंदर डालता रहूँगा। देखिए पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। बहुत ही हेल्दी चीज़ है हमारे प्लांट्स के लिए। ऑर्गेनिक गार्डनिंग हमेशा बजट में ही होती है, तो हमें गार्डनिंग ऐसे करनी है जैसे हमें बहुत सारा खर्चा नहीं करना हो और हमारे प्लांट्स भी अच्छे खासे ग्रो हो सके। हमें अपने प्लांट्स को हमारे घर का सदस्य समझ के ही खाना खिलाना चाहिए, मतलब ये फर्टिलाइजर्स उसका खाना ही है। अगर हम केमिकल्स यूज़ करने लग जाएं खाने में तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी। तो वैसे ही हमें अपने प्लांट्स को भी अच्छा खाना खिलाना है।
अब ये जो लिक्विड पूरा ख़त्म हो गया है, अब मैं ये लिक्विड को मैं फिर से इसके अंदर पानी भर दूंगा। पानी भरने के बाद मैं फिर से उसको एक 10 दिन के लिए या 12 दिन के लिए रख दूंगा। मेरे पास दूसरे ऐसे बहुत सारी बोतलें पड़ी है जिसके अंदर मैंने ये लिक्विड बना के रखा है, तो ऐसे मतलब ये 10 दिन तक लिए, जब तक ये 10 दिन इसको हो जाएंगे उसके बाद मैं एक हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करता हूँ, तो एक हफ्ते में मैं दूसरी बोतल भी मेरे पास पड़ी है तो मैं वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब हम ये लिक्विड को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मग के अंदर थोड़े सीड्स हैं नींबू के, अब मैं वो निकालूंगा नहीं, उसके अंदर ही रहने दूंगा। और इसके अंदर जो मैंने नींबू का रस रखा था वो सारा मैंने दूसरी जगह पे खाली कर दिया है। अब मैं ये पानी, ये जो मेरा नींबू का प्लांट है उसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगा। ये एसिडिक भी हो गया है और इसके अंदर फॉस्फोरस और पोटेशियम भी आ गया है। और आज संडे है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो मैंने बनाई थी काउडंग के ऊपर, और उसके बाद ये दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो अब काउडंग तो मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको डालूँगा मेरे नींबू के पौधे में। नींबू के पौधे में अच्छी तरह मैं डाल दूँगा, इतना काफ़ी रहेगा। अपनी सॉइल पूरी वेट हो गई है। अब मैं दूसरे प्लांट्स में भी इसको इस्तेमाल करूँगा। ये मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है, उसके अंदर भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। एसिडिक सॉइल हमें सारे प्लांट्स की पसंद होती है, मेजॉरिटी सभी प्लांट्स को पसंद होती है। तो ऐसे करके मैं अपने जितने भी पौधे उसके अंदर सभी के अंदर मैं ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दूँगा। और फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करके दे सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र्स डाल सकते हैं, ताकि आपका प्लांट ऑर्गेनिकली बहुत ही अच्छा ग्रो कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर भी बहुत ही जल्द नींबू आएंगे, और जब भी आएंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी संडे।